सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं आपके लिए लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहूंगा। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तथा फ्रेंड, मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। आज मैं आपके लाया हूँ 3 सितंबर का करंट अफेयर। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इस वीडियो का ऑडियो सुनने के लिए मेरे खबरी पर फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पल कुमार राव। लोकसभा में सचिव के रूप में उत्पल कुमार राव को नियुक्त किया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कियारा अडवाणी। मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा अडवाणी बने हैं। कियारा अडवाणी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। मिंत्रा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मिंत्रा भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसके संस्थापक मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया हैं। इसके CEO हैं अमर नागाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमर सहार नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। आमा साहर नामक मोबाइल ऐप ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है। ओडिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। ओडिशा, जिसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। राजभाषा उड़िया है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। विधानसभा की सीटें 147, राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवीक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अवीक सरकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करण जौहर। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक करण जौहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है। ICICI बैंक का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। इसका मुख्यालय बड़ोदरा, गुजरात, भारत में स्थित है। प्रमुख व्यक्ति अध्यक्ष इसके हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD और CEO संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10.9%। SBI के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 10.9% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। SBI के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में अनुवाद है भारतीय स्टेट बैंक। स्थापना 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में। पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। इसके MD है अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमंत खत्री। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD हेमंत खत्री बने हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। हेमंत खत्री LVशत बाबू का स्थान लेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसके बारे में जानकारी देख लीजिए।
इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1941 को। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसके एमडी और सीईओ हेमंत खत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमूल। राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी का नाम अमूल है। राबो बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसके चेयरमैन बाइवे डेजर हैं। अमूल कंपनी के बारे में जानकारी, अमूल भारत की डेयरी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर रुपिंदर सिंह लोधी हैं। संस्थापक त्रिभुवनंदन दास पटेल हैं। इसकी टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निम्न में से किस ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेस एक्स। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह वह उपग्रह है जो गैर सैन्य जैसे पर्यावरण अल निगरानी मौसम विज्ञान नक्शा बनाने आदि का उपयोग करता है। मौसम उपग्रह मुख्य रूप से पृथ्वी के मौसम और जलवायु की निगरानी करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पेस एक्स इस कंपनी की स्थापना हुई थी 6 मई 2002 में। इसके प्रमुख व्यक्ति सीईओ हैं एलन मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। नारियल की उपज को बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एशिया प्रांत नारियल समुदाय द्वारा वर्ष 2009 से इसका आयोजन किया जाता है। भारत में केरल में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इसकी उपज को बढ़ाया गया है। सितंबर माह के कुछ इंपोर्टेंट डे हैं, उनके बारे में आपको रिवीजन करा देता हूँ। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और 15 सितंबर को ही लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ही संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और शांति और अहिंसा के लिए दिन मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है कैंसर रोगियों का कल्याण के लिए। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को डे ऑफ डे दिवस मनाया जाता है और विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है और विश्व समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। सितंबर का चौथा रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया फ्रेंड।